सीमा रेडियो समाचार की सायंकालीन सभा में आपका स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ खुर्शीद अकरम का अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। ऑन्टारियो में कोविड 19 के आज फिर 1200 से ज्यादा नए केसेस, नए वेरिएंट के इन्फेक्शन में भी हुआ इजाफा। यॉर्क रीजन में कोरोना वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट बुकिंग की मंडे से हो रही है शुरुआत। और सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का कत्ल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर हुआ, कहना है नई अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट का। लीजिए अब आप पूरे समाचार सुनिए। ऑन्टारियो में कोविड 19 के आज 1200 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, साथ ही 28 और कोरोना पेशेंट्स की मौत हो गई है, लेकिन इनमें कोई भी डेथ लॉन्ग टर्म केयर होम्स की नहीं है। बीते चार महीनों में आज पहला दिन है जब लॉन्ग टर्म केयर होम्स में कोविड 19 से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज दर्ज हुई सभी 28 मौतें लॉन्ग टर्म केयर होम से बाहर के कोरोना पेशेंट्स की हैं। प्रोविंस में आज रिपोर्ट हुए कुल 1258 नए केसेस में से 362 टोरंटो के, 274 पील रीजन के और 104 यॉर्क रीजन के हैं। उधर डरम में 42, हाल्टन में 32 और हैमिल्टन में आज 64 नए इन्फेक्शन सामने आए। ऑन्टारियो में वायरस के यूके वेरिएंट B117 के 31 और नए केसेस सामने आए हैं, जिससे प्रोविंस भर में यूके वेरिएंट के कुल इन्फेक्शन की तादाद 477 हो गई है, जबकि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट B1351 के 14 केसेस और ब्राजीलियन वेरिएंट P1 के अब तक 2 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ऑन्टारियो में बीते 24 घंटे के दौरान 21,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया और कुल मिलाकर ऑन्टारियो भर में अब तक वैक्सीन की लगभग 6,44,000 डोजेज लगाई जा चुकी हैं और लगभग 2,60,000 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं। उधर जीटीए के यॉर्क रीजन में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मंडे से ही अपॉइंटमेंट बुक करने की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि डकफोर्ड सरकार ने वैक्सीन अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन पोर्टल 15 मार्च को लॉन्च करने का ऐलान किया है, लेकिन यॉर्क रीजन तब तक इंतजार नहीं करेगा। 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए यॉर्क रीजन में कोरोना वैक्सीनेशन के वास्ते मंडे से ही अपॉइंटमेंट बुकिंग का आगाज हो रहा है। उधर यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया है कि अमेरिका भर में लोगों को अब तक 70 मिलियन से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोजेज लगाई जा चुकी हैं। सीडीसी ने बताया है कि 14% से ज्यादा अमेरिकन आबादी को अब तक कोरोना वैक्सीन का कम से कम एक शॉट लगाया जा चुका है। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की शुरुआत 27 मार्च से होगी, जबकि 2 मई को सभी चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल में कुल 8 चरणों में मतदान कराया जाएगा, जो कि पिछले चुनाव से 1 चरण अधिक है। उधर आसाम में भी 27 मार्च से ही 3 चरणों में पोलिंग होगी। इनके अलावा तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी 27 मार्च को ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में कांग्रेस के एमपी दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 4 मार्च को राज्य में एक गैर राजनीतिक किसान महापंचायत बुलाई है। इस किसान महापंचायत में हिंदू महासभा को भी न्योता दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस ने जमाल खशोगी के कत्ल के ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। याद रहे कि अक्टूबर 2018 में जमाल खशोगी को टर्की में सऊदी एम्बेसी के कैंपस में बेरहमी से कत्ल कर दिए जाने की रिपोर्ट आई थी। अमेरिका में सेटल्ड सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी सऊदी किंगडम के बड़े क्रिटिक और आलोचक माने जाते थे।
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज TSX में आज 114 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है, जबकि S&P 500 में भी 0.86 पॉइंट की गिरावट चल रही है। TSX 18,109 पर और S&P 500 3,828 पर कारोबार कर रहा है। उधर साउथ ऑफ द बॉर्डर के डॉ जॉन्स में 342 पॉइंट की कमी, जबकि नैस्डेक में 131 पॉइंट का उछाल है। जबकि क्रूड ऑयल का भाव आज $2 से भी ज्यादा की गिरावट के साथ 61 US डॉलर पर बैरल पर कारोबार कर रहा है। उधर ग्लोबल सेल ऑफ के कारण भारत के शेयर बाजारों में भी आज भारी गिरावट आई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1939 अंकों तक क्रैश हुआ। और अब कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स: एक कैनेडियन डॉलर 78.5 सेंट्स US, इंडियन रुपए 58, पाकिस्तान 126, बांग्लादेश 67 टाका, गोल्ड प्राइस इन कैनेडा 2223 कैनेडियन डॉलर्स पर अउंस। और अब मौसम: टोरंटो और आसपास के इलाकों में आज रात लाइट स्नो के आसार के साथ लो -3 रहेगा। और इसी के साथ सीना रेडियो से समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ।